हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विना यस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एथिक्स पेपर के 6 मार्कर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है उसको देखिए, नैतिक एवं सामाजिक विचार। तो सबसे पहले 2 लाइन की एक भूमिका आप लिखिए महात्मा गांधी जी को लेकर के। जैसे कि महात्मा गांधी चिंतन और व्यवहार के हर क्षेत्र में धनी थे, उन्होंने सभी क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त किया है और सामाजिक और नैतिक विचार उनके निम्नलिखित। तो पहली हेडिंग हमारी होगी वर्ण व्यवस्था। तो इस हेडिंग्स में आपको गांधी जी के जो विचार हैं उनको लिखना है। जैसे गांधी जी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे, लेकिन वो इसमें छुआछूत या भेदभाव के समर्थक नहीं थे। लोगों को रोज़गार पाने में सहूलियत होती है, लोग अपने वर्ण के आधार पर रोज़गार को अपना लेते हैं, लेकिन वो छुआछूत और अस्पृश्यता के विरोधी थे, ऊंच नीच की भावना के विरोधी थे। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार किया, लेकिन ऊंच नीच की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार नहीं किया। दूसरा, गांधी जी सांप्रदायिक एकता के समर्थक थे, अर्थात गांधी जी भारत में रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के बीच एक सद्भावना की स्थिति पर बल देते थे। वो किसी को किसी से श्रेष्ठ नहीं मानते थे, उनका मानना था कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी से समाज का विकास होगा। तीसरा पॉइंट, महिला सशक्तिकरण। गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयास किया और उसका समर्थन किया। यही कारण था कि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब चलाया तो उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया और उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा गया। फिर चौथा हम लोग लिख सकते हैं अहिंसा। अहिंसा को गांधी जी ने एक वेपन की तरह यूज किया, एक हथियार की तरह यूज किया और उन्होंने इसको माना, दिखाया भी कि कितना यह सफल रहा। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहिंसा नामक जो हथियार था उसको उन्होंने विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। पांचवा, सत्याग्रह। सत्याग्रह से तात्पर्य सत्य के लिए आग्रह करना, जो सत्य है उसके लिए सामने वाले को पशु करना, उसको कन्विंस करना ही सत्याग्रह कहलाता है, यानी सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। छठा, ईश्वरवाद। गांधी जी ईश्वर में भरोसा रखते थे। गांधी जी वैसे भी वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, फॉलोवर थे, तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सदैव महत्व दिया। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, साधन और साध्य की पवित्रता। गांधी जी मानते थे कि साधन और साध्य दोनों उचित और पवित्र होने चाहिए। यहाँ साध्य का अर्थ है गोल, लक्ष्य। जैसे एक कहावत है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, लेकिन गांधी जी इस विचारधारा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हमारा लक्ष्य, हमारा गोल जिसे हम साध्य कहते हैं, वह भी पवित्र होना चाहिए, उचित होना चाहिए, समाज की कल्याण के लिए होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हो, जो रास्ता हो, वह भी उचित और पवित्र होना चाहिए। अगर साधन उचित नहीं है तो उनका मानना था कि ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और शायद यही कारण था कि वे जो एक्सट्रीमिस्ट थे स्वतंत्रता आंदोलन में, या जो उग्र दल था उसका समर्थन वो नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, गलत तरीक़ों से या वॉयलेंस या हिंसक तरीक़ों से हमें अपने साध्य को हासिल, हमें अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करना है। आठवां पॉइंट हो सकता है आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि पर बल देना। गांधी जी ने हमेशा सेल्फ कंट्रोल पे को फॉलो किया, अपनाया। उन्होंने हमेशा इस पर बल दिया कि व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए वे तप, व्रत, उपवास की जैसे साधनों का उपयोग करते थे। वो खुद भी भूख हड़ताल पे चले जाते थे। उसका अर्थ ये था कि वो देखना चाहते थे, वो कहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी आत्मा के ऊपर नियंत्रण कर सकता हूँ कि नहीं, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकता हूँ। मेरा दूसरों पर बस नहीं है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण मेरा है। और यही बात वो सभी को कहते थे कि हमें दोस्तों में दोस्त देखने से पहले हमें अपने आत्मसंयम, अपने आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि पर बल देना, हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा।
तो ये जो 8 पॉइंट हैं इनको हम अगर दो दो तीन तीन लाइन उनका डिस्क्रिप्शन लिखें तो ये हमें 100 वर्ड्स के आसपास मिल जाते हैं और गांधी जी के नैतिक और सामाजिक विचारों को ये दर्शाते हैं। हमारा अगला प्रश्न था अभिवृत्ति के प्रकार। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के कार्य, प्रकार से मतलब फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। मैंने केवल यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हैं, आपको इसका विस्तार भी करना है, इसकी दो लाइन की भूमिका भी लिखनी है कि अभिवृत्ति क्या होती है। अभिवृत्ति से तात्पर्य है किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित भाव, किसी के मन में जो विचार आता है चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, उसे ही अभिवृत्ति कहा जाता है। और इसके मुख्यतः 5 तरह के प्रकार कार्य हैं या फंक्शन हैं। पहला हम लिख सकते हैं कि आत्मरक्षात्मक प्रकार। इससे तात्पर्य ये है कि जब कभी व्यक्ति असफल हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर के लिए बहुत मेहनत की और एग्ज़ाम में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो हमारी अगर मनोवृत्ति ऐसी है कि हम मान लें कि चलो भाई हमारा भाग्य ऐसा था, ईश्वर की कृपा नहीं हुई हम पे, या हम ये मान लें कि ये बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ हो गया, नेचुरल चीज़ है जिसने हमें अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं करने दिया, तो हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ भी ढूंढ लेते हैं, एक तरह का डिफेंस है अपने लिए। और यदि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई लोग देखते हैं आप लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग ऐसे गलत हिंसक कदम उठा सकते हैं, मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहीं कहीं ये जो अभिवृत्ति है कि हम सफल नहीं हुए तो हमने उसमें एक ढूंढ लिया अपने लिए बचाव कि नहीं ये ईश्वर की ऐसी कृपा थी, ये प्राकृतिक रूप से ही इस समय ऐसा हुआ, तो हम अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं, अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। भावनात्मक प्रकार। भावनात्मक प्रकार से तात्पर्य है कि हमारी मनोवृत्ति के अनुसार ही हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर सकारात्मक है तो वह कठिन परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोचेगा, वो ये सोचेगा कि इसमें भी मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, वो उसको नकारात्मक रूप से नहीं लेगा। और कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों के प्रति वो सद्भाव, प्रेम और दया का मार्ग नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर वो नकारात्मक है, जैसे मान लीजिए किसी समय अकाल पड़ गया चीज़ों का, तो कई लोग हो सकता है छीना झपटी पे विश्वास करने लग जाएं, लेकिन और कई लोग ऐसे होंगे कि जो उनके पास है उसको मिल बांट करके वो उसका उपयोग करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं डेवलप होती हैं, हम पॉजिटिव भावनाएं उत्पन्न करते हैं या नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न करते हैं, और ये हमारी अभिवृत्ति के कारण होता है। अगर चीज़ों के प्रति हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। तीसरा हम लोगों का हेडिंग है साधनात्मक प्रकार। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक के अनुसार ही अपने लिए साधन भी जुटाता है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जैसे अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसे अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में पाना है चाहे भले ही वो रास्ता गलत क्यों ना हो, तो विभिन्न तरह के ऐसे नकारात्मक साधनों को वो अपना लेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति सकारात्मक है, उसकी सोच सकारात्मक है, तो वो मेहनत पर भरोसा करेगा, अपनी कमियों को ढूंढेगा, वो गलत रास्तों को नहीं अपनाएगा। चौथा जो प्रकार है वो है व्यवहारात्मक। अपनी अभिवृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति व्यवहार करता है। अगर वह पॉजिटिव है, सकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति है, तो वो सकारात्मक कार्य करेगा, सकारात्मक व्यवहार करेगा इवन विपरीत परिस्थितियों में भी। और यदि वह नकारात्मक प्रवृत्ति का है, नकारात्मक मनोवृत्ति का है, तो वह नकारात्मक कार्य ही करेगा, उसका व्यवहार नकारात्मक ही होगा चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। तो बहुत हद तक हमारी मनोवृत्ति हमारे व्यवहार को भी गाइड करती है, व्यवहार को नियंत्रित करती है, या व्यवहारात्मक हमारे जो कार्य हैं उनको प्रभावित करती है। पाँचवा जो हमारा प्रकार है वो है मूल अभिव्यक्ति संबंधित प्रकार। व्यक्ति अपने जीवन में जो मूल सीखता है या जिन मूल्यों को अपनाता है वो उसकी मनोवृत्ति के अनुसार ही अपनाता है। अगर वो सकारात्मक प्रवृत्ति वाला है तो सकारात्मक मूल्यों को अपनाएगा,
जैसे कि ईमानदारी, दयालुता, गरीबों के प्रति सहानुभूति, राष्ट्र के प्रति प्रेम। लेकिन अगर वो नकारात्मक अभिव्यक्ति का व्यक्ति है, वो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसकी, नकारात्मक मनोदशा है उसकी, तो वो निगेटिव चीज़ों को अपनाएगा, बेईमानी, भ्रष्टाचार। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये जो पांच हेडिंग्स हैं, इनको हमें दो दो तीन तीन लाइन इनका डिस्क्रिप्शन करना है, इनका थोड़ा सा विस्तार करना है, तो हमारी शब्द सीमा पूरी हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रभावी प्रशासन के लिए समर्पण आवश्यक होता है, कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। देखिए, इसमें दो प्रमुख बातें कही गई हैं, एक मुख की बात है प्रभावी प्रशासन और एक है समर्पण। तो पहले हम इन दोनों को अलग अलग समझाना होगा अपने उत्तर में। प्रभावी प्रशासन से तात्पर्य होता है कि प्रशासन द्वारा अपने उद्देश्यों को समय पर हासिल करना, जनता को समय पर सुविधाएं प्रदान करना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना। सामान्यतः प्रशासन की परिभाषा यही है कि वह जनता के कार्यों या जनता से संबंधित जो अफेयर्स हैं, मामले हैं, उनका प्रबंधन करना। और उस प्रबंधन के अंतर्गत ये शामिल है कि जनता के लिए जो भी लक्ष्य रखे गए हैं, प्रशासन को जो कार्य दिए गए हैं, उनको वो समय पर पूरा करे, उन्हें सुविधाएं प्रदान करे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करे। अगर ये तीनों चारों कार्य हो जाते हैं तो प्रशासन प्रभावी कहलाएगा, अन्यथा वो प्रभावी नहीं है, वो फेल है। तो ये प्रभावी प्रशासन है। अब इस चीज़ को हासिल करने के लिए कि समय पर उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, समय पर सुविधाएँ मिल सकें और समस्याएँ निराकरण समय पर हो पाए, इसके लिए एक अन्य गुण की आवश्यकता होगी, वो है समर्पण। समर्पण का एक सामान्य अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हो जाता है, उसकी मन स्थिति बहुत ही उसके प्रति समर्पित हो जाती है कि किसी भी हाल में उसमें वो लग जाता है, उसको हर वक्त अपने कार्य दिखता, उस लक्ष्य को प्राप्त करना दिखता, फिर वह समय को नहीं देखता। जैसे कि परीक्षा में तैयारी करते वक्त हर विद्यार्थी को समर्पित होना चाहिए, और जो विद्यार्थी समर्पण दिखाता है उसके निश्चित तौर पर परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। ठीक उसी तरह से लोक सेवकों को भी प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए जो सरकारी लक्ष्य हैं, जो प्रशासनिक जो उद्देश्य हैं, उनके प्रति उच्च प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उनकी मन स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनके मन में तीव्र भावनाएँ हों, हाईली मोटिवेटेड हों इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य, थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीछे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो था सिविल सेवा बनाई, वो अभिजात और रूढ़िवादी थी, उन्हें अपने हितों को साधने के लिए उन्होंने सिविल सेवा का निर्माण किया था। जबकि आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा, जिसमें लोक सेवकों की जो भूमिका थी वो जन कल्याण करने में एक सक्रिय एजेंट की भूमिका निभाना है। और इसके लिए ऐसे लोक सेवक होने चाहिए जो पूरी तरह से लोक सेवा में समर्पित हों, उनके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए, जैसे कि उन्हें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि उनका जो जॉब है वो 9 से 6 का है या 10 से 7 का है या 9 से 5 का है, केवल खाना पूर्ति नहीं, बल्कि उन्हें 24/7 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, इवन समय से पूर्व अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। उन्हें जो वंचित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी मदद करके सुख मिलना चाहिए, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत हितों के लिए हमने लोक सेवा को अपनाया है, बल्कि उन्हें उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि उन्होंने समाज के हितों को पूरा करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए ही लोक सेवा ज्वाइन की है। उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जो हैं उन वर्गों पर खर्च हो जिन्हें उनकी अधिकतम ज़रूरत है, जैसे कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग या जो समाज से बिल्कुल वंचित वर्ग हैं। और यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाएं लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो भी उन्हें दूसरे प्रकार से उनकी सहायता और मदद करना, अधिकार क्षेत्र अगर उनके अधिकार क्षेत्र में है तो थोड़ी बहुत वो अपनी औपचारिकताओं में ढील भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नियमों पर ध्यान देने से हम एक वर्ड सुनते हैं लाल फीताशाही या रेड टैपिज्म की संभावना होती है, जो कि सकारात्मक परिणाम नहीं देते। इसलिए अधिकारियों को या लोक सेवकों को समर्पित होकर के
अगर उन्हें कुछ औपचारिकताओं में ढील देनी भी पड़े तो उन्हें देनी चाहिए और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रभावी प्रशासन के लिए समर्पण को दिखाना है कि किस प्रकार से समर्पण प्रभावी प्रशासन के लिए बहुत ही आवश्यक है। या यूँ कहें कि किसी भी चीज़ को प्रभावी बनाने के लिए अगर आप स्टडी करते हैं, उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में चाहते हैं क्या वो आप बहुत प्रभावपूर्ण उत्तर लिख के आएँ, तो उसके लिए आपके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन या डिवोशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ भी वही बात है। अगला जो हमारा प्रश्न था वो था प्रशासन में सत्य निष्ठा का महत्व लिखिए। देखिए यहाँ सत्य निष्ठा को आप परिभाषित कर भी सकते हैं, चाहे तो एक से दो लाइन में परिभाषित कर दें, मैंने नहीं किया यहाँ पे, कि सत्य निष्ठा कथनी और करनी में समानता को दिखाता है। यानी जो आप कहें, जिन मूल्यों या जिन विचारों में आप विश्वास रखते हैं उन्हीं के अनुसार आप व्यवहार भी करें तो आप सत्यनिष्ठ हैं। जिस प्रकार एक लोक सेवक यह शपथ लेता है जब भी उसकी ज्वाइनिंग होती है कि वह लोक सेवा के लिए ज्वाइन कर रहा है जॉब, वह संविधान के प्रति समर्पित है, तो उसे इसको आजीवन निर्वाह करना चाहिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है लोक प्रशासकों के लिए। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे यदि प्रशासनिक अधिकारी या पूरा प्रशासन जो अमला है वो सत्यनिष्ठ हो जाए, यानी जो उसकी कथनी है वही उसकी करनी भी बन जाए, जो जिस चीज़ की उन्होंने शपथ ली है, जो वो जनता को संदेश देना चाहते हैं वही वो व्यवहार में भी करें, तो जो प्रशासन है वो नागरिक केंद्रित हो जाएगा, अर्थात नागरिकों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देगा, और जिससे कि एक सामाजिक कल्याण या जो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना हमारे संविधान ने की है वह पूरी हो सकेगी। वस्तुओं सेवाएं जो प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध होती हैं वो समय पर पूर्ण मिलेंगी और गुणवत्तापूर्ण मिलेंगी। गुणवत्ता और समय दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि राशन मिलता है राशन की दुकानों से, यदि प्रशासनिक अधिकारी वास्तव में अपने सत्यनिष्ठ हैं तो वो कुछ इस प्रकार का व्यवहार करें कि जो लाभार्थी हैं उनको वो राशन समय पे मिले और क्वालिटी वाइज होना चाहिए, क्वालिटी फूड मिले उन्हें, क्योंकि कानून में यही व्यवस्था की गई है लेकिन जो कि होता नहीं है। तीसरा, वास्तविक लाभार्थी को उसका वास्तविक हक मिल पाएगा। चौथा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर नियंत्रण होगा। जब लोक सेवक सत्यनिष्ठ होगा, वह संविधान के अनुसार कार्य करेगा, नियमों के अनुसार कार्य करेगा, तो वहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, सही लोगों के लिए उपयोग हो सकेगा, सतत और सर्वसमावेशी विकास होगा, अर्थात संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से होगा कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो उपयोग में आए और समाज का प्रत्येक वर्ग विकसित होगा, समाज का प्रत्येक वर्ग इस विकास की प्रक्रिया में शामिल हो पाएगा। फिर शासन और प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। जब प्रशासन सब में सत्यनिष्ठा होगी तो जनता का ऑटोमेटिक विश्वास शासन और प्रशासन में बढ़ जाएगा कि यह सरकार वाकई या यह शासन जो है बहुत उचित है, कल्याणकारी है और जनता की भलाई के लिए कर रहा है, जो कि उद्देश्य भी है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय को व्यवहारिक रूप मिल सकेगा। हमारे संविधान में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात की गई है सैद्धांतिक रूप से। अगर इसको व्यवहारिक रूप में लाना है तो लोक सेवकों को या प्रशासन को सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा, क्योंकि कहा तो गया है लेकिन व्यवहार में जब उसको वो स्थापित करेंगे तो उन्हें इसको करना भी पड़ेगा। इसके लिए वो सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे जो कि जरूरी है। अतः सत्यनिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न था वो था अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के उद्देश्य पूछा गया है आपको, तो एक लाइन में समझाइए कि अभिप्रेरणा क्या या मोटिवेशन क्या होता है। यह वह प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार को लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली ड्राइव करती है, उसको उसके लक्ष्य की ओर धकेलती है, लेकर जाती है। जैसे किसी का लक्ष्य है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो व्यक्ति उसकी तरह उसके लिए मेहनत करेगा
या जो भी उसको ठीक लगता है वो करेगा, लेकिन अगर वो उससे प्रेरित नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अभी प्रेरणा किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रेरणा के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होते हैं। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, हर संगठन के कुछ न कुछ गोल्स होते हैं, अगर उन्हें सही समय पर प्राप्त करना है तो कर्मचारियों को सभी को मोटिवेटेड या अभिप्रेरित होना होगा, तभी वह मन लगाकर काम कर पाएंगे और लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बिना लगन के समर्पण नहीं होगा, और समर्पण नहीं होगा तो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। दूसरा, मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना। जब प्रत्येक कर्मचारी मोटिवेटेड होगा अपने गोल के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, तो आपस में उनमें क्लैश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक सीनियर बहुत मोटिवेटेड है, वो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, लेकिन जूनियर मोटिवेटेड है ही नहीं, तो वो उसको वो सहयोग नहीं कर पाएगा जो वो चाहता है। तो जब इस तरह का विवाद उत्पन्न होगा, गैप क्रिएट होगा, एक मोटिवेटेड और एक मोटिवेटेड नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, दोनों के बीच क्लैश होगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों मोटिवेटेड हैं, अधीनस्थ कर्मचारी अपने सुपीरियर को मोटिवेटेड होकर के, अभिप्रेरित होकर के जो उसको जानकारी चाहिए, जो उसको हेल्प चाहिए वो दे रहा है, तो इससे दोनों के मध्य संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। चौथा, यह कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। अगर कर्मचारी मोटिवेटेड हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो एक्सपर्टीज़ होगी, उनका जो स्किल होगा वो बेहतर हो जाए, क्योंकि वो मन लगा के काम करेंगे और काम उन्हें बोझ नहीं लगेगा, और इससे उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो कि किसी भी संगठन का उद्देश्य होता है। कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण के प्रति को प्रोत्साहन करना भी एक उद्देश्य है। कर्मचारी जब सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो वो अपने से सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे और वही निर्णय लेंगे जो कि संगठन के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए हित में होगा। अभिप्रेरणा से दोनों कर्मचारियों के मध्य परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। अगला, उत्पादन में वृद्धि। अच्छा, यह मनोबल को भी बढ़ाएगा कर्मचारियों की। इसीलिए कहा जाता है कि एक उत्तम राज्य और समाज की स्थापना के लिए अभिप्रेरित प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अभिप्रेरणा जीवन के सभी पहलुओं पर, जीवन के सभी क्षेत्रों में जरूरी होती है, चाहे वो लक्ष्य छोटा हो या वो बड़ा हो। क्योंकि यह संगठन से संबंधित है, इसलिए हमने इसमें संगठन के एग्जाम्पल्स लिए हैं। इसको अपनी पढ़ाई से भी जोड़ के दे सकते हैं कि अगर आप मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए तो आप देखेंगे कि आप जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं, जल्दी चीज़ों को समझ ले रहे हैं। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, मोराल आपका डाउन है, तो आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको करना चाहिए। इसलिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है और ये उसके उद्देश्य होते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि मनोवृत्ति के तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ भी आप मनोवृत्ति को सामान्यतः एक लाइन में डिफाइन करिए कि मनोवृत्ति सामान्य अर्थ में किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है, और मुख्यतः इसके तीन प्रकार के तत्व होते हैं। पहला संवेदात्मक, दूसरा व्यवहारात्मक और तीसरा संज्ञानात्मक। संवेदात्मक तत्व वे हैं जो व्यक्ति की भावनाओं और आंतरिक इच्छाओं का निर्धारण करते हैं। व्यवहारात्मक तत्व वे हैं जो उसके व्यवहार और उसकी अंतर्क्रिया, इंटरपर्सनल जो एक्शंस होते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। और संज्ञानात्मक तत्व वे हैं जो उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि चोरी करना, एक व्यक्ति ये मानता है कि चोरी करना जो है एक नैतिक पाप है, अपराध है। यह भावना जो है संवेदात्मक है, उसके अंदर ये संवेदना है कि ये गलत है, हम चोरी नहीं करेंगे किसी भी तरह से। ये सकारात्मक मनोवृत्ति है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता है कि नहीं, चोरी करने से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नकारात्मक मनोवृत्ति है। संवेदनाएं दोनों तरह की हो सकती हैं। तो इस तरह के व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, ये संवेदात्मक तत्व कहलाते हैं। दूसरा, यदि व्यक्ति ने यह सोचा कि नहीं, आप आसानी से चोरी करने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चोरी करके पैसा कमा लेंगे तो मेहनत से बच जाएंगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, चोरी करेगा। यह वह व्यवहारात्मक तत्व है, क्योंकि उसको उसने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कार्य में कन्वर्ट कर दिया उस चीज़ को। लेकिन एक व्यक्ति जो सोचता है कि नहीं, ये पाप है,
तो कतई ये गलती नहीं करेगा, वो उसका विकल्प ढूंढेगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे चोरी नहीं करना बल्कि क्या करना है, मेहनत करनी है, काम करना है और पैसा हासिल करना है। तो ये उसका व्यवहारात्मक प्रभाव होगा सकारात्मक मनोवृत्ति का। और तीसरा संज्ञानात्मक तत्व, कि यदि व्यक्ति ये मान ले कि नहीं चोरी करना से हमें मेहनत करने से बच जाएंगे, तो वो क्या निर्णय लेगा कि चोरी करना है, डिसीजन, ये संज्ञानात्मक तत्व है। लेकिन अगर वो मानता है कि नहीं ये नैतिक पाप है, ये गलत है, और इसके आधार पर वो यह निर्णय लेता है कि भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं चोरी नहीं करूँगा, तो ये निर्णय जो है उसके लिए पॉजिटिव संज्ञानात्मक है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में ये तीनों तत्व शामिल होते हैं। ध्यान ये रखना है कि पहले संवेदना आती है, भावनाएं जागृत होती हैं, फिर उससे वो निर्णय लेता है, संज्ञान करता है उस चीज़ का, और फिर वो उसको व्यवहार में लाता है। तो ये तीन प्रमुख तत्व हैं मनोवृत्ति के। यहाँ उदाहरण देकर जरूर समझाएं, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वो है सहिष्णुता के लाभ क्या थे हैं। तो पहले सहिष्णुता को परिभाषित कर दें। इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है सहन करना, बर्दाश्त करना उन विचारों को, उन व्यवहारों को या उन सिद्धांतों को जो हमसे मेल नहीं खाते या जिन्हें हम पसंद नहीं करते। सकारात्मक रूप में इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अपने विरोधियों के विचारों का भी सम्मान करना, उन्हें सुनने समझने की ताकत रखना, और यदि उनका पक्ष सही लगे, तार्किक लगे, तो उसे स्वीकार कर लेना, यानी पूर्वाग्रह को छोड़ देना। इसके लाभ निम्न हो सकते हैं। पहला ये कि विरोधी विचारों को सुनने से समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनते हैं। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति बड़ी ज़रूरी है, चाहे भले ही वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों ना हो, विरोधाभासी क्यों ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, और ये भी कहा जाता है कि सशक्त विपक्ष ही लोकतंत्र के लिए सफलता का मापदंड है। तो अर्थात विचार विरोधी होने चाहिए ताकि वो सुने उस चीज़ को, और डिस्कशन के बाद एक उचित व्यवस्था बनाई जा सके, उचित विचार उत्पन्न हो सके। तो विरोधी विचारों को सुनने से या उन्हें बर्दाश्त करने से, उन्हें समझने से लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनती है। दूसरा, दूसरे को सुनने से नए मौलिक विचार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आपने उस विचार के बारे में सोचा नहीं हो जो आपके विरोधी ने सोचा है, तो उसे तर्क के आधार पर तुलना करनी चाहिए, तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए, और सही हो तो अपना लेना चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। चिंतन और अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। अपने से विरोधियों के विचारों को जब हम सुनते हैं तो उसमें कई वेव्स आ जाते हैं, कई विचार आते हैं, और जब सबको मिलाया जाता है तो फिर एक सुदृढ़ विचार उत्पन्न होता है। तो यह चिंतन और अभिव्यक्ति को बढ़ावा भी देता है, जो कि लोकतंत्र का उद्देश्य है। सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण में सहायक होती है। यह देखा गया है कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण कई बार, या सांप्रदायिक असहिष्णुता के कारण कई बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो यदि अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान व्यक्त करें तो इन सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, और इसी का परिणाम होगा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहेगा। जैसे भारत जैसे देश जहाँ पे कि विभिन्न संप्रदाय रहते हैं, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। सहिष्णुता के माध्यम से ही भारत में को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो ये सहिष्णुता के लाभ हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वो था कबीर का सामाजिक दर्शन। देखिए यहाँ बहुत जो 5-6 हेडिंग्स दी गई हैं, उनको हेडिंग के साथ आपको उदाहरण के थ्रू समझाना है। कबीर दास जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के एक माने हुए कवि हैं, और उन्होंने अपने नैतिक चिंतन और सामाजिक चिंतन से समाज को बहुत प्रभावित किया है। वो आज भी आदर्श माने जाते हैं। उनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे उनके चिंतन में तर्कवाद शामिल है। जैसे जब वो ये लिखते हैं कि कबीर ने कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जो चीज़ बुद्धि और तार्किक शक्ति के आधार पर सही है उसी को मानो, केवल कागज़ में जो लिखा है
उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यही आधुनिकता है। पुनर्जागरण में भी इसी बात पर बल दिया गया। तो ये आपको उनकी ये लाइनें लिखेंगे तो इससे आपका उत्तर जो होगा वो पुष्ट होगा, मजबूत होगा। फिर वो जातिवाद का विरोध करते हैं। कैसे? उन्होंने लिखा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात किसी ज्ञानी व्यक्ति की या ऐसा व्यक्ति जिसका किसी तरह का कौशल है, उससे उसकी जाति मत पूछिए, उसकी कौशल और उसके ज्ञान को पूछिए। जिस प्रकार की तलवार की कीमत होती है, म्यान की कीमत नहीं होती है, उसी तरह जाति सिर्फ एक म्यान है, वो व्यक्ति जो है वो तलवार है। फिर वो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना, कि वो कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम हमारा, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारे हैं, और आपस में लड़ते रहते हैं। जबकि सच ये है कि दोनों उसकी वास्तविकता से अपरिचित हैं, दोनों नहीं जानते कि वो क्या है, यानी दोनों ही ईश्वर की वास्तविक स्थिति से अपरिचित हैं। तो इस तरह से वो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। वो बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा है, मुंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। यानी सिर मुड़ाने से कोई हरि या ईश्वर नहीं मिलते। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति सिर मुड़ा लेता, क्योंकि भेड़ को बार बार उसको मुंडन किया जाता, उसके बाल निकाले जाते हैं, लेकिन भेड़ बैकुंठ तो नहीं जानती। बैकुंठ भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता, बहुत ही पवित्र और सुखी स्थल माना जाता है हिंदू धर्म में। तो वो कहते हैं कि भेड़ के बार बार मुंडन होने से वो बैकुंठ तो नहीं जाती हो। तो ये आडंबर हैं, इन आडंबरों से दूर रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं, धन लिप्सा से दूर रहिए, यानी बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा मत करिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यह समय लिखा है, ये समय है, ध्यान रखिएगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए कि बस परिवार का खा पी ले, उसका जीवन का निर्वाह हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे यहाँ यदि कोई व्यक्ति आता है, कोई मेरा गेस्ट आता है, तो वो भूखा मेरे दरवाजे से नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद वो अहिंसा के भी समर्थक हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि कड़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। अर्थात वो कहते हैं कि बकरी पत्ती खाती है तो लोग उसकी खाल उधेड़ लेते हैं, तो जो इंसान बकरी खाता है उसका क्या हाल होगा, उसका क्या होना चाहिए। तो यहाँ वो बताते हैं कि हिंसा जो है वो ठीक नहीं है, अहिंसक होना चाहिए इंसान को। और कबीर की ये शिक्षाएँ बड़ी व्यवहारिक और नैतिक उत्थान वाली, जिन्हें व्यक्ति समाज तथा प्रशासन में लागू किया जाना चाहिए, और इससे एक कल्याणकारी समाज, एक उन्नत समाज की स्थापना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का योगदान। दो लाइन आप विवेकानंद जी के बारे में जो भी जानते हैं इस तरह से लिखें कि वो उनका परिचय करवा दें। जैसे देशभक्ति और मानव सेवा तथा ईश्वर आराधना को परस्पर संबंधित मानने वाले विवेकानंद ने भारतीय चिंतन धारा में नौ वेदांति और वेदांत केसरी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। उनके योगदान को निम्न बिंदुओं के माध्यम समझ सकते हैं। उन्होंने कर्म योग का सिद्धांत दिया, यानी कर्म करिए देश के लिए, अपने लिए कर्म आवश्यक है, जन सेवा। उन्होंने ईश्वर सेवा से भी पहले जनता की सेवा को महत्व दिया, युवा शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा ही सब कुछ कर सकते हैं। जब वो ये कहते हैं कि जागो उठो, उठो जागो, और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तो ये युवाओं को वो मोटिवेट करते हैं। नारी उत्थान के समर्थक हैं, वो जाति प्रथा और अस्पृश्यता के वो विरोधी हैं, और जन सेवा के लिए ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सामाजिक कल्याण और जन सेवा में संलग्न है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की अच्छाइयों से विश्व को परिचित कराया। यहाँ पे 1893 के शिकागो सम्मेलन का भी उल्लेख आप करें। हिंदुओं में आत्मगौरव की भावना का विकास किया। उन्होंने ये
कहा कि हिंदुत्व धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसे पाश्चात्य धर्म या पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को इन्फीरियर या कमज़ोर समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारा धर्म श्रेष्ठ है और उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने देश में जन जागरण का मंत्र फूंका और देशवासियों को शक्ति तथा निर्भयता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग दो दो तीन तीन लाइन में उसको एक्सप्लेन करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेन करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन ना करें। तो इससे उनके योगदान के बारे में एक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद है एकात्म मानव दर्शन। तो एकात्म मानव दर्शन का जो विचार है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित किया। इसका अर्थ है मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्मिक संबंधों का दर्शन, एक ऐसा दर्शन जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को बताया गया, जो मनुष्य को केवल एक आर्थिक मानव की तरह नहीं देखता, जो सिर्फ ये नहीं समझता कि मनुष्य को केवल काम करना है और अपनी जीविका के लिए संसाधन इकट्ठे करने हैं, बल्कि वह जीवन के समग्र पहलुओं का तथा मानव के अन्य सृष्टि के साथ जो परस्पर संबंध है उसको ध्यान में रख करके कैसे मानव जीवन को समृद्ध और सुखी बनाया जाए उसके बारे में जानकारी देता है। यह भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है जो शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा से युक्त धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पुरुषार्थों से पूर्ण मानव की संकल्पना करता है। अर्थात वो ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर शरीर है, उसके मन है, बुद्धि है और आत्मा है। शरीर पे मन का नियंत्रण होना चाहिए, मन पे बुद्धि का और बुद्धि पे आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। इनके बीच परस्पर एक संयोजन होना चाहिए और यह पुरुष जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं उनको भी पूरा करे, उनको भी हासिल करे, धर्म का, अर्थ का, काम और मोक्ष, तभी वह मनुष्य सफल है और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा। एकात्म मानव दर्शन में पंडित जी ने परिवार को बहुत महत्व दिया है। ये परिवार ही है जो उन्हें अहम से वयम की ओर ले जाता है, अर्थात मैं से हमारे की ओर, अर्थात समष्टि जीवन, संपूर्ण जीवन का पहला पाठ वो कहते हैं कि परिवार में ही दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति और समाज की आवश्यकता को संतुलित करना, प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना और संसाधनों का इस प्रकार उपभोग करना कि भविष्य के लिए वो संसाधन बने रहें, आने वाली जनरेशन्स के लिए वो बने रहें। यह केवल एक राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बात करता है, स्वतंत्रता को बढ़ाता है। यह सिद्धांत विविधता को प्रोत्साहित करता है जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में आपको तीन शब्द दिए गए थे, टर्मिनोलॉजीज दी गई थी और उनको डिफाइन करना था, उन पे लिखना था दो दो तीन तीन लाइन। इससे पहला था निष्पक्षता या इम्पार्शियलिटी। यह न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कोई भी निर्णय वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर होना चाहिए, पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं। हमारे मन में क्या विचार हैं वो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। निर्णय करते वक्त हमें तथ्यों और तर्क के आधार पर निर्णय देना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष। यह न्याय को बढ़ावा भी देता है निष्पक्षता। सिविल सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है और बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें सरकारी नीतियों को लागू करते वक्त बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। भले ही उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, लेकिन जब वो सरकारी नीतियों को लागू कर रहे हों तो वे निष्पक्ष रहें, तभी संविधान के उद्देश्यों को वो पूरा कर पाएंगे। दूसरा जो दिया गया शब्द वो है वस्तुनिष्ठता, अर्थात निर्णय लेते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो व्यक्तिगत चेतना में शामिल होते हैं, यानी पहले से ही हमारे मन में जो विचार बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में, उनको बिल्कुल हटा करके निर्णय लेना, तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर। और अगला शब्द वो है गैर तरफदारी, नॉन पार्टीजनशिप। नौकरशाही के लिए बहुत ये बात जरूरी है कि वो किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनसे दूर रहें, वो क्योंकि वो स्थायी कार्यपालिका हैं, उनकी जिम्मेदारी है संविधान के प्रति, समाज के प्रति, तो इसीलिए उन्हें किसी भी दल के साथ संबंध
नहीं रखना चाहिए, ना तो किसी का विरोध करना चाहिए और ना ही किसी का सहयोग करना चाहिए। तो यह जो भावना है, यह जो संकल्पना है, यह जो गुण है, इसी को गैर तरफदारी कहा जाता है। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वह है पूर्वाग्रह के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू क्या क्या हैं। तो वन बाय वन हम दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है, जो पहले से ही हमारे मन में किसी विषय वस्तु या व्यक्ति को लेके भाव होते हैं उन्हें पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अभी एक मन में हम लोग की जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, अब किसी के मन में ये बैठ जाए कि अगर लॉकडाउन दोबारा लग गया तो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, तो ये पूर्वाग्रह है, क्योंकि थोड़े समय के लिए परेशानी हुई थी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये परेशानी हो, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है, सभी चीज़ों की उपलब्धता को बनाए रखा जा रहा है। तो ये अगर पहले से हम मन में बिठा लें कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, तो वो पूर्वाग्रह कहलाएगा। जैसे एक व्यक्ति मान लो कभी फेल हो गया, वो मन में बिठा ले कि नहीं मैं तो पास ही नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरा तो होता ही नहीं है, तो ये उसका पूर्वाग्रह है, जबकि अगर वो प्रयास करे तो वो कर सकता है। तो इसकी जो सकारात्मक पहलू है वो पहला हम लोग लिख सकते हैं कि सबल समूहों के मध्य भाईचारे एवं एकता का विकास होता है, यानी जो एक जैसे समूह होते हैं इसलिए उनको सबल लिखा गया, जो मजबूत लोग हैं वो आपस में एकजुटता होती है उनकी। जैसे आप देखेंगे एक ही जो समाज का मजबूत वर्ग है, एलीट क्लास है, वो जो निम्न वर्ग है उससे अपने आप को अलग रखता है, और एलीट क्लास अपने आप को क्या करता है कि एकजुटता में बांध के रखता है कि हम एक जैसे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि पूर्वाग्रह के कारण वो ये मानते हैं कि जो जो इस तरह के लोग हैं वो हम सब एक जैसे हैं और बाकी जो हमारे जैसे नहीं हैं वो अलग हैं, वो ठीक नहीं है। तो पूर्वाग्रह के कारण ये एक तरह का भाईचारा और एकता का विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई जातियों के मध्य दूसरे जातियों को गलत समझा जाता है, एक जाति को श्रेष्ठ माना जाता है, कई रेसेस या नस्लों के मध्य भी इस तरह का होता है। तो एक जैसे जो नस्ल हैं या एक जैसी जो जातियाँ उनके अंदर एक भाईचारे की मजबूती आती है, ये इसका सकारात्मक पहलू है। इसका नकारात्मक पहलू भी है लेकिन ये इसका सकारात्मक पहलू है। दूसरा, व्यक्ति के अंदर की दमित इच्छाओं या कुंठाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि वह अपने आप को अच्छा मानने लगता है और दूसरे को निर्बल और बुरा या घृणा करने लगता है। तो ये आत्म जो कुंठा है उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, और ये भी मनुष्य के लिए जरूरी है। तीसरा, सबल समूहों के मध्य प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की आवश्यकता की संतुष्टि पैदा होती है। फिर ये एकता है कि जो समूह मजबूत हैं उनमें हम प्रतिष्ठित हैं, उनमें हम श्रेष्ठ हैं, तो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो होता है पूर्वाग्रह से। बर्डमैन और सिकार्ड ये कहते हैं कि इसका आर्थिक लाभ या फायदा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जो लाभ देने वाला वर्ग है वह आप ही के ग्रुप को बिलोंग करता है, आप ही के ग्रुप से संबंधित है, तो वो वहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सबल समूह निर्बल समूहों के प्रति आक्रमणकारी व्यवहार करके अपनी कुंठा और निराशा को संतुष्ट करता है। तो ये पांच इसके सकारात्मक पहलू हैं। नकारात्मक पहलू में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी, विभिन्न समूहों के मध्य संघर्ष बढ़ेगा, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है। समाज कल्याण के जो कार्यक्रम हैं वो समय पर पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग संघर्ष शुरू हो चुका होगा, सामाजिक संघर्ष की भावना बढ़ेगी, और जिससे कि सामाजिक विघटन होगा और धीरे धीरे सामाजिक विघटन बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे बुक के बारे में लिखना है, एक संक्षिप्त उसका परिचय और उसके अंदर कंटेंट क्या है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य ने चौथी शती ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में उन्होंने इसकी रचना की थी। यह राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त करता है। यह अपने तरह का एक राज्य प्रबंधन का विषय है, या यूँ कहें कि राजव्यवस्था पर एक प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। इससे तात्पर्य यह है
कि आप जानते होंगे कि चाणक्य या कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। तो उन्होंने इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ये सलाह दी थी कि अपने राज्य को कैसे वो सुदृढ़ करें, कैसे वो अपने राज्य को मजबूत करें। तो ये इसीलिए सलाहात्मक और उपदेशात्मक है कि राजा को ये करना चाहिए, राज्य को इस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अर्थ और अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी। उन्होंने मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही उनको अर्थ माना। यहाँ व्यापक परिभाषा नहीं दी है, यानी वह शास्त्र जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ और उसके पालन करने के उपायों का वर्णन है, क्योंकि उस समय कृषि होता था, बहुत सारे अर्थशास्त्र के और व्यापार होता था ज़्यादातर कृषि उत्पादों का, तो अन्य साधन नहीं थे, तो उन्होंने इसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो ये बात लिखनी है। फिर अर्थशास्त्र की जो रचना है उन्होंने पद्य और गद्य दोनों में की है, इसमें 15 अधिकरण हैं या 15 कह सकते हैं चैप्टर हैं। उन्होंने चार विधाओं का उल्लेख किया है शुरू में ही, दर्शन और तर्क, धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान, कृषि और व्यापार, चौथा दंड नीति। दंड नीति पे उन्होंने विशेष फोकस किया है, इसका प्रमुख विषय दंड नीति है, अर्थात राज्य को कैसे सुदृढ़ बनाना चाहिए या कोई भी राजा अपने राज्य को कैसे मजबूत बना सकता है। वर्तमान में इनके अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो पाश्चात्य चिंतक मैकियावेली से की जाती है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है और मैकियावेली की तुलना चाणक्य से की जाती है। यह अक्सर कभी कभी प्रिलिम्स में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातों से हम लोग एक अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। अगला प्रश्न था कि भ्रष्टाचार को रोकने में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। तो पहले तो एक छोटा सा इसका इंट्रो कि जनसंचार का सबसे सख्त माध्यम मीडिया है और मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया शामिल है, है ना, क्योंकि अभी ये तीनों मीडिया ही बहुत सशक्त माध्यम हो गए, खासतौर पर सोशल मीडिया। तो इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत एवं जागरूकता ला करके, जनता को भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं एवं शिक्षा दे करके, मीडिया सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी संगठनों का पर्दाफाश कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो घोटाले हो रहे हैं उसमें देखा गया है कि सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठन आपस में मिल करके कर रहे हैं, तो मीडिया उसको सामने ला सकता है। भ्रष्टाचार की घटनाओं की सही जानकारी देख करके प्राधिकारियों पर दबाव बना सकता है, जैसे यदि सरकारी तंत्र अगर किसी बात को छुपाता है तो मीडिया उस चीज़ को, तथ्यों को सामने अगर ले करके आता है तो प्रशासन पर इस बात का दबाव बनता है कि वो कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार को घृणित बता करके, उसकी निंदा करके वो समाज में एक तरह का संदेश दे सकता है कि लोग इसको घृणित समझें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रष्टाचार के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता है, जैसे कि स्टिंग ऑपरेशंस, उससे कि सरकार और समाज पर, इस सरकार और प्रशासन पर दबाव बनता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार की घटनाओं का पर्दाफाश करना, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पहुंच है वो एक छोटे से छोटे गांव और व्यक्ति विशेष तक है, तो छोटे स्तरों पे जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह से मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहाँ यहाँ पे आवश्यकता हो आप उदाहरण देकर के भी समझाएं, उससे आपकी जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। फिर प्रश्न पूछा गया था कि मूल्य क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण करें। तो मूल्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था का वह गुण है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व, कार्यों पर बहुत ही स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग इसका वर्गीकरण किया जाता है, सामाजिक मूल्य, ऐसे मूल्य जो समाज ने स्वीकार किए हैं कि समाज के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि बलिदान, तप, सहयोग की भावना, सेवा की भावना, इससे सामाजिक संगठन जो होंगे वो मजबूत होते हैं। आधारभूत मूल्य, ऐसे मूल्य जो जीवन की रक्षा से संबंधित मूल्य हैं, उन्हें हम आधारभूत मूल्य कहेंगे, जैसे कि अपनी रक्षा के लिए करने की भावना, निडरता, साहस, क्योंकि अगर आपके जीवन पे कोई संकट आता है तो साहस ही है जिससे आप मुकाबला कर सकते हो,
अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, धर्म व मान्यताएँ, उन्हें हम सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। विशिष्ट मूल्य, ऐसे मूल्य जिनकी आवश्यकता विशेष परिस्थिति में होती है, जैसे कि स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक मूल्य, सिविल सेवकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करना, प्रशासकों के लिए, नौकरशाहों के लिए, तो उसे मानेंगे ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं। व्यावसायिक मूल्य, संगठन द्वारा निर्धारित आदेशों या जो निर्देश हैं, जो आचार संहिता है, उसका पालन करना। जैसे कि एक डॉक्टर के लिए ये व्यावसायिक मूल्य ही है, उसकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं कि वह किसी भी बीमार व्यक्ति को मना नहीं करेगा। और यह हम लोगों ने देखा है कि अभी लॉकडाउन में डॉक्टर्स ने किस तरह से अपने व्यावसायिक मूल्यों का पालन किया है। खतरा होती हुई भी उन्होंने उन मूल्यों की वजह से ही अपनी सेवाएं दी हैं। नैतिक मूल्य, जैसे कि सत्य, साहस, करुणा आदि, ये सब नैतिक मूल्य कहलाते हैं। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, थोड़ा सा इसके बारे में इस तरह से लिखना है कि लोहिया का समाजवाद आध्यात्मिक और भौतिक विचारों पर आधारित है। लोहिया जी ने मार्क्स और गांधी के बीच समन्वय पर बल दिया। उन्होंने एशिया की दोषपूर्ण संरचना और विशेष परिस्थितियों के आधार पर अपने समाजवाद के सिद्धांत को दिया, है ना। उनके समाजवाद के आधार, जो मुख्य आधार हैं, वह समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण और विश्व बंधुत्व पर आधारित विश्व संगठन होने चाहिए। वो समानता और लोकतंत्र को इम्पोर्टेंस देते हैं, अहिंसा, विकेंद्रीकरण और चार स्तरीय राज्य की संकल्पना करते हैं। यहाँ आप थोड़ा थोड़ा सा दो दो लाइन यहाँ जरूर लिखें, और ख़ास तौर पे चार स्तरीय राज्य की संकल्पना के बारे में। इसको चतुस्तंभी विकेंद्रित राज्य की संकल्पना भी कहा जाता है, अर्थात लोहिया जी ने ऐसे राज्य की संकल्पना की जिसके चार स्तंभ हों या चार स्तर पे जो आधारित हो। पहला ग्राम, दूसरा मंडल या जिला, तीसरा प्रांत अथवा राज्य और चौथा केंद्र अथवा केंद्रीय सरकार। इन चारों स्तरों पे सरकार का निर्माण होना चाहिए और शक्तियाँ दी जानी चाहिए, और इन शक्तियों के माध्यम से जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्य किए जाने चाहिए। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, और इससे क्या होगा, उत्तर एकदम सटीक हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वो है, राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन कीजिए। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा है, उन्हीं के मुख्य कार्यों को लिखना है यहाँ पे। तो पहले उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं वो, और आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। उनका मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखे, मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, आप लोगों ने ऑलरेडी इतिहास में पढ़ रखा होगा सारी चीज़ें। महान समाज सुधारक थे, इसके अंतर्गत आप लिखिए कि सती प्रथा को बंद करवाने में उनका योगदान। मूर्ति पूजा के विरोध में थे, आडंबरों के विरोध में थे वो। शाश्वत धर्म के प्रतिपादन में विश्वास रखते थे, उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास किया, स्वतंत्रता का समर्थन किया, स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन किया और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। इन सभी में दो दो तीन तीन लाइन उन्होंने इसके लिए क्या किया। जैसे आधुनिक शिक्षा के लिए उन्होंने पाश्चात्य का जो की जो तर्क था, दर्शन था, साइंस था, उसके शिक्षा पर बल दिया और ये कहा कि भारतीयों को भी वो अपनाना चाहिए। तो इस तरह से उनका मूल्यांकन हम कर पाएंगे। और लास्ट में एक दो लाइन का उनका एक कंक्लूजन भी लिखिएगा कि इन उपरोक्त कार्यों के कारण ही उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है। तो इस तरह से अपने को ये 6 मार्कर के जो प्रश्न हैं उनको हैंडल करना है। कोशिश करिए कि ये सटीक हो, एग्जैक्ट हो, अपनी भाषा को इतना परिष्कृत करिए कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, और बड़े आराम से अधिक जानकारी को कम शब्दों में लिख पाएँ। उससे आपकी लेखन शैली जो होगी प्रभावशाली होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर हासिल कर पाएंगे। थैंक यू।